मुझे शंकराचार्य बना दो, छूत जाति से संबंध रखता हूँ, उसी दिन कोर्ट उतार दूंगा और मुझे उसी दिन से ब्राह्मण धर्म ग्रहण कर लूंगा। तिजोरी आप रखो, मुझे तो शंकराचार्य बना दो, पेट मोटा कर दो। प्राण प्रतिष्ठा की जहाँ तक बात है, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जानते हैं आप क्या है? आप मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या है पता है? क्या है बताइए। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि जो दलित, जो SC, जो ST, जो OBC, जो मूर्ति बना रहा है, जो उसे रूप दे रहा है, जो उनके मंदिर बना रहा है, सब चीज बना रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में ये SC ST OBC और शूद्र अछूत ये उस मूर्ति को नहीं छू सकते कि इसके अंदर अब हमने जाति का एक स्वरूप डाल दिया है। ये है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कोई, सुनिए, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अगर मैं छू लूंगा तो मूर्ति धोई नहीं जाएगी। परंतु वही जो है, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, पूरा का पूरा जो स्थापित किया जाता है एक जगह दूसरी जगह, अरे नहीं, वो मैं नहीं नहीं, ये प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है। उससे पहले कोई भी छू ले, कोई भी गर्भगृह में घुस जाए, उसके बाद भी तो आप जा सकते हैं, छू सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। कौन सी दुनिया में रह रहे हो? कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप? कौन सी दुनिया में रह रहे हो? दुनिया में आप पत्रकार हो ना, तो सबसे पहले रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं, और इंदिरा गांधी जी, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया था, फौज बुलानी पड़ी थी। और जब रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए, तो उनके साथ जो भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, उनकी जो पत्नी है, उनके साथ वहां पर दुर्व्यवहार किया गया। अरे उन्होंने कहा मुझसे चलाने गया सीढ़ियों पर, पैरों में दिक्कत। तो आप अगर आप सुनिए नहीं, अगर अगर आप अगर आप ये बात कह रहे हैं कि उनके पैर में दर्द है, तो जाके ना अब उन्हें राम मंदिर के गर्भगृह में उन्हीं से प्राण प्रतिष्ठा करवा लो। उसी दिन से मैं बहुजन आंदोलन त्याग दूंगा और इनके अंदर चला जाऊंगा। उनको तो छोड़िए, जो अभी लेटेस्ट में जो द्रौपदी मुर्मू, उनको करा लीजिए, जाने चाहिए ना। अरे मोदी जा रहे हैं ना, पिछले एक बात बताइए, अभी मोदी जी का आप विरोध कर रहे थे, क्या वो संविधानिक पत्थर नहीं है? नहीं, अगर वो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो महिलाओं का सम्मान करते हैं या दलितों का सम्मान करते हैं, आदिवासी का सम्मान करते हैं, तो पहले तो प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति जाना चाहिए। वो राष्ट्रपति को इसलिए नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वो दलित जाति से बिलोंग करती हैं। आपको समझना चाहिए, हम किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, मगर जब संवैधानिक पद पर रहकर कोई व्यक्ति संविधान का मजाक उड़ाते हैं, तो संविधानिक जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए उस बात का। अरे दलित तो काम कर रहे हैं मंदिर में, पत्थर में भगवान कैसे आ सकता है? पत्थर में कोई प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है? पत्थर को जिंदा कैसे कर सकता है कोई इंसान? कर सकता क्या? तो वो कब कह रहे जिंदा कर रहे हैं हम? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है प्राण डाल दिया, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। प्राण डालने का मतलब ये होता है, आप पढ़िए आप लोग, ये विज्ञान का काम है, यहाँ ये देश संविधान से चलता है, विज्ञान से चलता है। ये लोग मूर्ख सालों से बेवकूफ़ बनाते हैं, आज भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो बहुजनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये एक प्रकार से बिजनेस है, ये बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, कोई आस्था का मामला नहीं है, ये बिजनेस का मामला है। मतलब तुम्हारी नजर तिजोरी पे है मंदिर की? बिल्कुल तिजोरी पे। सुनो, अरे सुनो भाई, ये मेरा आपसे विरोध है, तिजोरी पे नहीं है। मुझे शंकराचार्य बना दो, छूत जाति से संबंध रखता हूँ, उसी दिन कोर्ट उतार दूंगा और मुझे उसी दिन से ब्राह्मण धर्म ग्रहण कर लूंगा। तिजोरी आप रखो, मुझे तो शंकराचार्य बना दो, पेट मोटा कर दो, घी दही मलाई खाने दो, प्राणों का ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, वेदों की ये सब चाहिए। ब्राह्मणस्य मुख मसीद बाहु राजन्य करुद्दशस्य वैश्य शूद्रो जनो नया, मतलब कि जो ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, जो शूद्र वो पैरों से पैदा हुआ। अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई तिजोरी चाहिए, तिजोरी नहीं, मुझे शंकराचार्य बना दो। आप लोग चाहते हैं देश में नफरत फैलती रहे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सुनो, धंधा चलता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक बात सुनो, अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, सब दुआ है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई गजत पे, यहाँ पे मेरा मकान थोड़ी है, और सभी का खून मिला है इस मिट्टी पे, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। नहीं, सुनिए, जो जा रहे हैं, ये बताइए, जो जा रहे हैं उनके साथ, सुनो, नहीं नहीं, बेचारे जो जा रहे हैं ना, उनके पिछवाड़े पे लात मार के, अरे सुनो, अरे जो सुनो, नहीं, जो बेचारे जा रहे हैं उनके पिछवाड़े पे लात मार के भगाया जा रहा है, मास्क लगा जा रहे हैं, नहीं बिल्कुल जा रहे हैं, फिर नहीं, वो मास्क इसलिए दिखा के जा रहे हैं ना, कहीं राम जी को इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ये शूद्र हैं, आगे हंडिया पीछे झाड़ू लगा के जाए
तो हम भी उनका सम्मान करें, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का पालन करना तो आगे हंडिया और पीछे झाड़ू लगा के ही करना होगा। दूसरी बात, जब आप सवाल करते हैं कि हमारे लोग, भैया जो मंदिर जा रहा है उसे इनाम में हंडिया और झाड़ू मिलनी चाहिए, उसका जो है जल जंगल जमीन छीन लेनी चाहिए, उसे मनुस्मृति के हिसाब से अपनी सारी संपत्ति जो है एक विशेष वर्ग को दान कर देनी चाहिए और उन पर कोई भी आशीर्वाद मिला। मंत्री बन रहे हैं जो पहले बाबा साहब की बात करते थे, आज नारियल फोड़ रहे हैं, सुंदरकांड करवा रहे हैं, तुम्हारे मंत्री। देखिए सुनिए, समाज के अंदर जो सुनिए मंत्री राजनीति कोई किसी का नहीं है। सुनिए बाबा जी, अगर आप ये कह रहे हैं हमारे मंत्री, अगर आप उस उत्तर प्रदेश की बात, राजकुमार आनंद दलित, अरे सुनो नहीं, अरे सुनो पहले, मैं राष्ट्रीय लेवल पे बात करूं या स्टेट लेवल पे बात करूं, तो बात कर लो, चलो दिल्ली की बात। ओ सुनो, ना तो हमारा केजरीवाल ना हमारा राजकुमार आनंद, हमारा वो है जो बाबा साहब की बात करेगा। और जो जिस सत्ता ने अभी तक बाबा साहब की छुट्टी 14 अप्रैल को गजेटेड घोषित नहीं किया, वो हमारी सरकार नहीं। सुन लो, जिस सरकार की आप पैरवी कर रहे हो वो 22 वोट क्यों दे, अरे सुनो, जिस सरकार की वोट क्यों दे, जिस राजनीति बदलने आए थे वो नहीं, और वो खुद बदल गए। अरे भाई वो है ना कि कोटे की खनक देख के हम आ गए थे और सिक्कों की खनकार सुन के हम भी कोटे पर बैठ गए। तो ये वो लोग हैं जो 22 तारीख को रामचरितमानस का पाठ तो करा रहे हैं, लेकिन संविधान का पाठ अभी तक किसी स्कूल में नहीं करा पाए। ठीक है, इन्होंने जिन्हें झाड़ू तो दिखा दी, इन्होंने मुस्लिमों को दिखा दिया, लेकिन एससी एसटी का स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा सारा खा गए। और जिस सुनो नहीं समझा पाए अपने समाज को, सुनो नहीं नहीं हमारा समाज तो समझ रहा है, 40 लाख है दिल्ली में एससी एसटी, नहीं ज्यादा है, एससी एसटी ज्यादा है, सुनिए ज्यादा है, ज्यादा है। ये तो मैं बता दूं कि आज अगर आप इस सवाल को यूनिट पे गए, किस पे गए, नहीं ये जब आप 200 यूनिट और पानी की बात करते हैं तो ये समाज वो है, किसकी है, तुम्हारी है ना, नहीं बिल्कुल। देखिए देखिए, अगर मैं बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। और सुनो तुम्हें बता दूं तुम्हारे चैनल के माध्यम से एससी एसटी के बारे में, अगर तुम दिल्ली के अंदर एससी एसटी और मुस्लिमों की तुलना करोगे तो एससी एसटी से ज्यादा मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ और मुस्लिम जो है मीठा मीठा गप गप कर रहा है। नहीं नहीं मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुस्लिम को भी यह लगता है नहीं यार चूड़े समारोह के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, अरविंद केजरीवाल के साथ सरकार बनाएंगे, ये सीए अनाज के नाम पे दंगे करवा दे, हमारे लोगों को मरवा दे। और सुनो केजरीवाल, अरे कितने मुस्लिम भेजे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे नहीं, मैं तो मुस्लिम की बात कर रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता, मुझे सुनो, मुझे अगर शेड्यूल कास्ट की बात करोगे तो मैं इतिहास बता दूं कि भारत के अंदर अगर शेड्यूल कास्ट को किसी ने राज्यसभा में भेजा है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने भेजा आज तक, और किसी ने नहीं भेजा। मैं ऐसे रामराज का विरोध करूंगा जिसमें सम्मुख ऋषि का गला काटा गया हो, मैं ऐसे रामराज का विरोध करूंगा जिसमें सीता माता को नदी में डाला गया हो, मैं ऐसे रामराज का विरोध करूंगा जिसके अंदर बहुजन समाज शूद्र समाज के लिए डायरेक्शन दी जाती है कि अगर पढ़े तो ये कर दिया जाए, लिखे तो ये कर दिया जाए। और दूसरी बात, अगर यहाँ रामराज और संविधान राज में से कोई चलेगा तो संविधान राज चलेगा, रामराज नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि वो उन सब कार्यों में लिप्त हैं और इधर जो चीजें सवाल उठ रहे हैं उन पर कोई गौर नहीं दी जा रही? देखिए प्रधानमंत्री व्यक्तिगत हम बात क्यों करते हैं, प्रधानमंत्री तो मुखौटा है, प्रधानमंत्री तो चेहरा है, वो उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं जो आइडियोलॉजी भारत को बिगाड़ने का और भारत को तोड़ने का काम कर रही है। अब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री, मुझे नहीं पता, अगर आप ये कहोगे कि नरेंद्र मोदी कैसा, मैं कहूँगा अच्छा है, आप मुझसे पूछेंगे नीतियाँ कैसी है, मैं कहूँगा अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ फेस है, एक विचारधारा, एक संगठन जिसका उद्देश्य भारत के लोकतंत्र के खिलाफ लड़ना है, जिसका उद्देश्य भारत के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के खिलाफ लड़ना है, ये उसका मुखौटा माथा है। आप मिसफायर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखा के हजारों लाखों ऐसे जातिगत लोग हैं जो भारत के अंदर जातिवाद का नंगा नाच कर रहे हैं। मतलब सहमत है कि ठीक है प्रधानमंत्री ये कर सकते हैं, या आपको कोई किसी तरीके? देखिए मैं उस दिन से भाजपा ज्वाइन कर दूंगा जिस दिन वो प्रधानमंत्री जी एक चींटी के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा कर दे, उस दिन। और अगर वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं तो मैं उन्हें भेजूंगा, नासा के अंदर भेजूंगा और यूएसए के, नहीं नहीं मैं तो करवा रहा हूँ ना, मैं तो देख रहा हूँ। जब सुनिए आप 22 जनवरी की बात कर रहे हैं ना, आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, मैं 22 जनवरी को 22 प्रतिज्ञा लूंगा, कोई आपत्ति है? अगर आप कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा, अगर तुम प्राण प्रतिष्ठा ही करोगे तो भैया सबसे पहले 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान और 9 अवतारों की प्राण प्रतिष्ठा कर दो, ताकि भारत की जो जनसंख्या आज 1 करोड़ 40
140 करोड़ है, वो कम से कम 200 करोड़ तक तो पहुँच जाए, तभी तो तुम विश्व राष्ट्र बनोगे। अगर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति भी अगर एक धर्म को प्रमोट करता है तो संविधान की आत्माओं को खत्म करने का काम करता है। आप संविधान को पढ़िए, कोई भी व्यक्ति संविधानिक पद पर रहकर कोई भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है, किसी भी धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकता है। ये सरासर गलत है, ये हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। पर इसी तरीके का सवाल जब योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सूबे का मुख्यमंत्री हूँ लेकिन मेरी अपनी भी तो एक आस्था है ना, तो मैं एक हिंदू हूँ, मैं अपनी आस्था के हिसाब से मैं अपनी आस्था को देखिए। व्यक्ति अपनी आस्था को प्रकट कर सकता है, व्यक्ति की आस्था हो सकती है मगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कोई आस्था नहीं हो सकती है जब तक उस पद पर हैं, क्योंकि वो सबका होता है, वो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, बौद्धिस्ट का भी है, पारसी का, सबका होता है। वो स्टेट का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है। अगर वो प्रधानमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी संसाधनों का उपयोग करते हुए धर्म को बढ़ाने का काम करते हैं तो वो सरासर गलत है। आप संविधान को उठा के देख लीजिए, भारत का संविधान सेकुलर संविधान है, आपको समझना पड़ेगा, सेकुलर की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी आपको। आप एक धर्म को प्रोपगंडा नहीं कर सकते हैं, आप एक धर्म को नहीं बढ़ा सकते हैं, ये सरासर गलत है। राम राज्य में सेकुलरिज्म नहीं था? राम राज्य चाहिए क्यों? क्यों चाहिए राम राज बताइए? जब भीम राज चल रहा है, संविधान राज चल रहा है, समता का राज चल रहा है, स्वतंत्रता का राज चल रहा है, तो इससे बढ़िया राज क्या है? कलम का राज चल रहा है आजकल, तो भाई कलम का राज चल रहा है ना आजकल। कलम का पहले जब इनका राज चल रहा था तो इन्होंने संविधान बनाया कि एक पढ़ सकता है, केवल एक समाज पढ़ सकता है, एक समाज लड़ सकता है, एक समाज व्यापार कर सकता है, एक और बहुत सारे लोग जो हैं सबकी सेवा करेंगे। मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान पढ़ाया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सब पढ़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं, सब लड़ सकते हैं और सब सबकी सेवा कर सकते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था बनाने का काम किया, समतल कर दिया। आज समानता का जो राज चल रहा है, ये राज चाहिए, इसमें सबको अधिकार है, सब अपने बच्चों को IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील IAS सब बना सकते हैं। यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बन सकती है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का राष्ट्रपति बन सकता है और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। अब ऐसा क्या बदलाव आ गया कि नए भारत की नींव रखी जा रही है, नया सब कुछ हो रहा है? इन लोगों को भारत के संविधान से नफरत है, क्योंकि भारत के संविधान ने इनकी सारी व्यवस्थाओं को खत्म करने कर एक समता मूलक समाज की स्थापना की है।